नमस्कार, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे विद्यालय की बच्चियां त्रिपुरा और मिजोरम के दर्शनीय स्थलों के बारे में अपने अपने राज्य के दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं परिचय करा देती हूँ कि ये प्रिया हैं जो त्रिपुरा से हैं और ये साक्षी है जो मिजोरम से हैं। तो प्रिया, आप अपने त्रिपुरा राज्य के दर्शनीय स्थलों के बारे में हम लोगों को थोड़ा बताएं। त्रिपुरा में कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। सबसे पहले मैं त्रिपुरा में उज्जैन पैलेस के बारे में बताना चाहूँगी। कहा जाता है यह वर्षों पहले एक शाही महल था, पर अब पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसके बाद मैं नीरमहल के बारे में बताना चाहूँगी। यह नीरमहल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा महल है। इसके बाद मैं त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के बारे में बताना चाहूँगी। यह भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है और इसकी आकृति लगभग कछुए की आकार की है। इसके बाद सिपाही जिला वन अभयारण्य है, जो हमारे यहाँ की प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह प्राकृतिक वनस्पति और चश्माधारी बंदरों के लिए सुप्रसिद्ध है। और इसके बाद रुद्र सागर लेक के बारे में बताना चाहूँगी, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में दुर्लभ प्रजाति की पक्षियाँ आती हैं। बहुत अच्छे। अब साक्षी, आप भी अपने मिजोरम राज्य के दर्शनीय प्रमुख जो वहाँ के दर्शनीय स्थल उनके बारे में कुछ बताइए। मिजोरम की प्राकृतिक खूबसूरती, इसकी पहाड़ियों, खूबसूरत झरनों, जल प्रपात एवं इसकी हरियाली प्राकृतिक प्रेमियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल में सबसे पहला आइजोल आता है, जो मिजोरम की राजधानी है और यह खूबसूरत मिजोरम की राजधानी है और यह सबसे बड़ा शहर और खूबसूरत शहर भी है। यह समुद्र तल से 1132 मीटर ऊंचाई पर पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जो काफ़ी आकर्षक है। उसके बाद आता है चम्फाई। यह मिजोरम की एक और सबसे खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यह फलों के बागान, यहाँ अनेकों फलों के बागान भी है, इसलिए इसे फलों का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद आता है शेरछिप। शेरछिप मिजोरम का सबसे खास पर्यटन स्थल है। यह मॉट और त्रिकम नदी के बीच स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जल प्रपात के लिए भी प्रसिद्ध है। वाह, बहुत अच्छे। तब इस तरह से हम लोगों ने त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में जाना। कभी हमें मौका मिले अगर त्रिपुरा और मिजोरम जाने का, तो इन सब स्थलों पर हम अवश्य जाएंगे और इनका दर्शन करेंगे, लाभ लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे भारत के जो राज्य हैं, वो हर एक राज्य की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, स्पेशलिटी है, और इसी तरह से त्रिपुरा और मिजोरम की भी खास विशेषता है। और इन्हीं सब विशेषताओं को समेटे हुए हमारा भारत जो है वह एक श्रेष्ठ भारत है। तो हम गर्व से कह सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद।